देश में बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। सब्जियों के बढ़ते दाम ने लोगों को रुला रखा है। बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर सवाल दागे हैं। टमाटर से लेकर तमाम सब्जियों के दाम आसमान छू रही हैं, जिसे आम आदमी की रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया है। इसे लेकर अब विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार की लूट से महंगाई और बेरोजगारी दोनों लगातार बढ़ रही है, पर भाजपा सत्ता के लालच में लीन है। सब्जियों के दाम आसमान छू रही हैं। देश में बेरोजगारी दर 8.45% हो गई है। गांव में बेरोजगारी दर 8.73% है। गांव में मनरेगा डिमांड चरम पर है, पर काम नहीं, ग्रामीण वेतन दर घटी है। नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता जानती है कि चुनाव से पहले आप किसी अच्छे दिन, अमृतकाल जैसे नारों का काम कर रहे हैं, ताकि विज्ञापनों की लिपापोती से आपकी नाकामी छिप जाए, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है। आपके इन खोखले नारों का जवाब बीजेपी के खिलाफ वोट देकर करेगी। माफ तो क्या, जनता बीजेपी को सत्ता से साफ कर देगी। इससे पहले खड़गे ने सेना में खाली पड़े पदों को भरने का मुद्दा भी उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के पास बीजेपी को विरोधी राजनीतिक दलों को तोड़ने का पूरा समय है, लेकिन सेना में रिक्तियों को भरने का समय नहीं है। बता दें कि महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी के पास विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।